हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद रेनू। आज हम बनाने जा रहे हैं होल व्हीट फ्लावर के पैनकेक्स। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जाली बैठी है, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट और फ्लफी हमारे पैनकेक्स बन के रेडी हुए। चलिए देर ना करते हैं, इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल, इसमें हम डालेंगे 1.5 कप मिल्क। तो यहाँ पर मैं रूम टेम्परेचर का मिल्क ले रही हूँ। आज मैं इसे मेजरिंग कप से मेजर कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल घर के कप से भी मेजर कर सकते हैं। बस एक कप सेट कर लें जिससे आप सारा मेजरमेंट करें। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, यानी सफ़ेद सिरका, आपको कोई भी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। और इसको हम 5 मिनट्स के लिए साइड में रख दें ताकि ये कर्डल हो जाए। यहाँ पे एक बाउल में हम ले रहे हैं 1 + 3/4 कप होल व्हीट फ्लावर। 3/4 कप मतलब एक कप से थोड़ा सा कम, 3/4 कप हम इसे बोलते हैं। 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर लेंगे, इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। इसमें 2 पिंच इतना हम नमक डालेंगे। और मैं बहुत ही अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर एनहेंस करने के लिए इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसमें जाएगा 1/4 कप कोको पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप कैस्टर शुगर यानी नॉर्मल जो शुगर होती है, हमें पिसी हुई चीनी की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें जो हमारा मिल्क हमने कर्डल होने के लिए रखा था वो हम पूरा मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि बिल्कुल भी लम्ब्स ना बचे। तो इसमें हम 1/4 कप हॉट वाटर डालेंगे गर्म पानी करके। इसमें जाएगा 1/4 कप कुकिंग ऑयल, आप यहाँ पे ऑयल कोई भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे ऑयल का अपना कोई फ्लेवर ना हो, जैसे कि सरसों का तेल होता है। तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें बैटर, हमने यहाँ पे तवा यूज़ किया है आज। आज हम पैन पे नहीं तवे पे हमारे पैनकेक्स बना के रेडी करेंगे। थोड़ा सा हम ब्रश के साथ इसे ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए एक लैडर फुल हम इस तरीके से ऊपर से डालेंगे। देखिए अपने आप ये फैल चुका है, इसे हमें ज़्यादा कुछ शेप अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इस तरीके से ऊपर से आपके पैनकेक्स डालिए और बहुत ही अच्छा ये शेप अपने आप ही पकड़ लेंगे। तो आप ध्यान, फ्लेम आपको यहाँ पे लो रखनी है, अगर आप हाई रखेंगे तो आपके पैनकेक्स जल सकते हैं नीचे से। तो लो फ्लेम पे आप अच्छे से इन पैनकेक्स को सिकने दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने तवे पे 4 पैनकेक्स चढ़ा दिए थे एक साथ, और हल्के हल्के आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं 1/2 मिनट के बाद ही। तब इसे धीरे से हम पलट देते हैं और साइड्स आप देख सकते हैं इसके एजेस ब्राउन हो चुके हैं, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पैनकेक्स सिके हैं, वाओ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। और इतने फ्लफी बने हैं, मेरे से तो पलटे भी नहीं जा रहे हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ये। बहुत ही ध्यान से हमें इसे पलटना है। और ये देखिए हमारे पैनकेक्स बन के बिल्कुल रेडी, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हम हमारे बाकी पैनकेक्स भी बना के रेडी कर लेंगे। पहले मैं आपको इसकी जाली दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी जाली बैठी है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड भी करेंगे ना तो बिल्कुल भी हमारा पैनकेक टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमने बाकी सब भी चढ़ा दिए, आप देख सकते हैं ये जो हल्के हल्के बबल्स आते हैं ना, यही इंडिकेशन है कि आपका पैनकेक्स नीचे से सिक चुका है, तभी आप इसे पलटिएगा। और ये देखिए ये भी हमने और भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स पैनकेक्स। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को सबको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं पैनकेक्स। ये देखिए कितनी अच्छी जाली है हमारे पैनकेक्स की। और होल व्हीट से हमने बनाए, इसमें हमने मैदा का यूज़ नहीं किया। जैसे मैंने वहाँ पे चीनी डाली, आप वहाँ पे गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 कप। तो ये हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हर्शीज डाल के इसको सर्व करूँगी। आप अपने मनपसंद तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं।
थोड़ी सी इसके ऊपर हमें पैनकेक्स के ऊपर चेरी जाएगी ताकि इसकी लुकिंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। अब जैसे मैंने इसके ऊपर सिरप डाल के इसको डेकोरेट किया है, आप यहाँ पे साइड में आइसक्रीम का स्कूप भी रख सकते हैं, अपने मनचाहे तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी क्विक एंड ईजी पैनकेक्स की रेसिपी? और ये हेल्दी भी है, बस अगर आप इसके जगह कैस्टर शुगर को हटा दें और इसके जगह आप जैगरी या फिर कोकोनट शुगर का यूज़ करें तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन जाएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।